इंजीनियर्स, मैं भविष्य कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन चिंचोर पुणे से। आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा सीमेंस का वीएफटी, जो कि प्रोटोकॉल हम लोग यूज करेंगे प्रोफिनेट, और पीएलसी हमारे पास में जो है सीमेंस का पीएलसी है, इसमें भी आपका जो प्रोटोकॉल होगा प्रोफिनेट। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, प्रोफिनेट के बेस पे हम लोग पीएलसी और ड्राइव का कैसे कम्युनिकेशन करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वीएफटी में हमें क्या क्या पैरामीटर्स हमें चेंज करना पड़ता है, क्या क्या हमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, जिसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स जो है हम लोग जो यूज जो करें वो सॉफ्टवेयर टूल्स आपका स्टार्टर है। इस स्टार्टर के थ्रू हम लोग जो है वो पहले ऑनलाइन जाना है, तो ऑनलाइन जाने के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। तो जैसे मैंने कनेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये ऑनलाइन मेरा कनेक्टेड हो चुका है। तो इसमें क्या है, बेसिक जो है आपका यहाँ पे हमारा स्टेप वन क्या रहेगा, वीएफडी के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट में जाकर के हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका नेम वगैरह क्या है, इस वीएफडी का नेम क्या है, क्योंकि नेम क्या है हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के हम लोग पीएससी और ड्राइव का कम्युनिकेशन कर पाएंगे। फिर हमें जो है एक्सपर्ट लिस्ट में जाना है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मान लो कि आपका लोकल भी चल रहा है ड्राइव, और उसको जो हमें नेटवर्किंग पे लेकर के जाना है, तो वैसे केसेज में जो है हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इसका मैक्रो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका मैक्रो नंबर क्या है, 7 है। तो मैक्रो नंबर 7 जो है प्रोफिबस या प्रोफिनेट, इन दोनों के लिए मैक्रो नंबर हमें 7 सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि मैक्रो नंबर हमने 7 हमने लिया है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेप जो है हमें जाना है यहाँ पे कम्युनिकेशन इंटरफेस। कम्युनिकेशन इंटरफेस में जाकर के यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिवाइस का नेम क्या है और इसका आईपी क्या है। तो ये डिवाइस नेम जो है सिनामिक्स G120C-PN, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें पीएससी के कम्युनिकेशन करने के टाइम पे जब हम लोग हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये नेम हमें देना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इसका आईपी क्या है। ये आईपी आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 192.168.0.2, ये हमारा सेकेंड पॉइंट रहेगा। अभी इसके बाद जो है फील्ड बस में हमें देखना है कि यहाँ पे जाकर के क्या प्रोफिनेट ही सिलेक्टेड है, और यहाँ पे टेलीग्राम क्या है हमारा। टेलीग्राम जो है, जो टेलीग्राम यहाँ पे 2x2 है, वही टेलीग्राम हमारा पीएलसी में भी सेम टेलीग्राम हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए। जब तक दोनों टेलीग्राम हमारा मैच नहीं करेगा, हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे टेलीग्राम का बहुत सारा ऑप्शन है। 2x2 कहने का मतलब क्या है कि 2 कंट्रोल वर्ड और 2 स्टेटस वर्ड। तो यहाँ पे 2 कंट्रोल वर्ड का क्या मीनिंग है कि वीएफडी से हम लोग जो है क्या क्या डेटा लेना चाहते हैं, उसको स्टेटस बोलते हैं, और जो जो हम लोग राइट करना चाहते हैं, जो जो हम लोग चेंज करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल बोलते हैं। तो ये 2x2 का मीनिंग हम लोग देखेंगे, समझना है हमें। इसके लिए हमें जाना होगा कंट्रोल वर्ड और स्टेटस वर्ड पे। तो यहाँ पे जो है हमारा सिस्टम क्या है, अभी ऑनलाइन है, तो ऑन का यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है आपको, कंडीशन क्या दिख रहा है कि ऑफ मतलब 0 है, और यहाँ पे कंटिन्यू 1 to 6 तक ये सभी के सभी क्या अभी आपको इनेबल दिख रहा है, और ये ऑलरेडी इनेबल है मास्टर कंट्रोल बाय पीएलसी। ये मेरे पहला कंट्रोल वर्ड का स्टेटस है। अब यहाँ पे जो है स्टेटस वर्ड फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे जिसको हम लोग केवल रीड कर सकते हैं कहाँ से, पीएलसी से। तो ये मेरा क्या है, रीड करने के लिए है, और ये वाला क्या है मेरा राइट करने के लिए। तो अब हम लोग पीएससी के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, तो जिसका सॉफ्टवेयर टूल्स क्या है, टीआई पोर्टल हम लोग यूज कर रहे हैं, टीआई पोर्टल वर्जन 17। तो इसको मैं ऑनलाइन लेकर के जाता हूँ। ऑनलाइन पे मैंने क्लिक किया। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद सेम जो अभी हमने कहाँ देखा, वीएफडी में, वही सेम चार्ट हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक जेनरेट किया है एबी ब्लॉक के थ्रू। हमने यहाँ पे जो यहाँ पे एबी ब्लॉक हमारे क्या है ऑलरेडी क्रिएटेड है, यही सेम लिस्ट हमने यहाँ पे टाइप किया, उसके अकॉर्डिंग जो है जस्ट मैपिंग यहाँ पे कर दिया, एक एक को हमने मैपिंग यहाँ पे किया, और इसी को हमने क्या किया है जाकर के यहाँ पे यूज किया। तो पहला नेटवर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि क्या है हमारा G120C, जो वीएफडी है, कंट्रोल वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या अभी इसका स्टेटस क्या है देख लेते हैं, यहाँ पे मॉनिटरिंग ऑन करके। तो अभी ये क्या है, फॉल्स है। जैसे मैं इसको ट्रू करूंगा तो मेरे क्या होगा, स्टार्ट का कमांड जाएगा, और यहाँ पे जो 047E जो है
ये मेरा 0.47F हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हेक्सा में बात करता है। और उसके बाद जो है हम लोग स्पीड की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा सेट पॉइंट जो है, तो सेट पॉइंट जो भी हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे, सेट पॉइंट अगर हमने यहाँ पे चेंज किया, क्या अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सेट पॉइंट हम लोग 700 हम लोग एंटर करते हैं, तो ये 700 हमारा जाना चाहिए कहाँ, VFD में जो है, ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, फिर उसको हम लोग रीड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो ये हम लोग देखेंगे वन बाई वन। तो पहले हम लोग स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले मैं इसको क्या करूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इसको जस्ट हमें स्टार्ट बिट को यहाँ से इनेबल करना है, तो मैंने इसको क्या किया, इनेबल किया। अभी आपको रिकॉर्डिंग में भी आवाज भी आपको सुनने को मिल रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और इसको जो हम लोग देखते हैं स्टार्टर पे जा करके, यहाँ भी बिट देखिए ऑन है, और इसको देखना है तो ड्राइव नेविगेटर पे जा करके हम लोग मोटर के स्टेटस को हम लोग देख पाए। यहाँ पे जो है मोटर ये रनिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे चलती हुई आपको मोटर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे जो आरपीएम हमने एक्चुअल आरपीएम जो भी हमने सेट किया था 700, वही आरपीएम हमारे यहाँ पे, मोटर का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, आउटपुट अभी वोल्टेज अभी कितना ले रहा है, तो हम लोग कुछ वैल्यूज यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे ऑनलाइन मोड में ही। तो इसको चेंज करने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे पीएलसी पे, रन टाइम में ही मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आरपीएम, इस बार मैं आरपीएम कितना देने वाला हूँ, 1000, यहाँ पे 1000 आरपीएम मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ओके। तो ये सेम चीजें जो है मेरा क्या होना चाहिए, 1000 आरपीएम मेरा यहाँ पे दिखना चाहिए, तो ये 1000 आरपीएम यहाँ भी आ चुका है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, आपको एक्चुअल यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे, इसको मैं कम करूंगा, 100 मैंने किया, ओके, और तुरंत में कहाँ जा रहा हूँ, स्टार्टर पे, ताकि ये आपको कम होता हुआ दिखाई दे, ये आपको अभी क्या हो रहा है, वैल्यू आपका कम आपका हो रहा है, 100 पे आकर के रुक गया, ठीक है। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्यादा में वैल्यू देता हूँ, ताकि ये आपको स्टार्टर जो है यहाँ पे जो ऑनलाइन जो हम लोग लेकर के हमने रखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बार 1200 मैं इतना आरपीएम में देता हूँ, और मैं तुरंत में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टर पे जा रहा हूँ मॉनिटरिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपको आरपीएम जो है इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ये जो वैल्यू जो आपको इंक्रीज होते हुए जो दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको रन करते हुए जो दिख रहा है, यही सेम चीज है हमारा कहाँ पे दिखता है, हमारा पीएससी के प्रोग्रामिंग में स्टेटस वर्ड के थ्रू दिखता है। तो स्टेटस वर्ड के थ्रू आरपीएम अगर देखना है, तो इसके लिए हमने आरपीएम देखने के लिए यहाँ पे एक स्केलिंग हमने करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको कितना दिखाई दे रहा होगा, 1200, ओके। तो अभी अगर मैं चेंज करूंगा, चेंज करके जैसे मैं नेटवर्क जो है आरपीएम देखने के लिए जो नेटवर्क हमने बनाया है, वहां भी सेम आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, 100 एंटर हमने किया, और जस्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, तो देखिए आपका आरपीएम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे स्टार्टर में हम लोग देख पा रहे थे कि वहां पे जो आरपीएम हमारा डिक्रीज हो रहा है, वैसे आपको यहाँ पे भी आपको डिक्रीज होते हुए दिख रहा है। अब रही बात क्या कि ये स्टेटस वर्ड ये जो हमने हमने देखा, ठीक है, यही सेम चीजें जो है सेम स्टेटस वर्ड हमारा स्टार्टर में कहाँ पे कंट्रोल वर्ड और स्टेटस वर्ड जो है यहाँ पे भी आपको दिखता है, एक एक का जो है जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉप कर रहे हैं, यही ये आपका जो है स्टेटस वर्ड वन, यानी कि रेडी अभी कंडीशन में है। जैसे मैं इसको स्टॉप करूंगा, स्टॉप का कमांड दूंगा, ये रेडी कंडीशन नहीं रहेगा, ये वन पे जो आपका रेडी है ये आपका रेडी बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो इसके लिए हम लोग फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं इसको बीट को मैं क्या करता हूँ, जाकर के इसको स्टॉप करता हूँ, फिर जाकर के जब मैं देखूंगा स्टार्टर सॉफ्टवेयर पे, तो यहाँ पे रेडी कंडीशन में नहीं है, फॉल्ट भी कोई प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग इसको लॉजिक हम लोग लिख पाते हैं। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की जहां तक बात रही, तो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे नेटवर्क व्यू में जो है ये आपका एक पीएलसी है सीमेंस का, ठीक है, और ये आपका वीएफटी है। तो इन दोनों को जो है हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया है, और ये पूरा जो है आपका नेटवर्क व्यू को हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये सिंपल एक लॉजिक था। फिर से रिकैप अगर हम लोग देखते हैं, तो आपका टास्क क्या रहेगा, एक हमने क्या किया, एक FB बनाया है, फंक्शन ब्लॉक बनाया है, जिसको हमने कॉल किया FB1 को एज ए आपका कंट्रोल वर्ड, जो कि हमारे एक एक बिट कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे को चलते हुए मेरे को फॉल्ट रिसेट करना है, या मेरा रनिंग है, रनिंग में ही मेरे को क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करना है, तो इसको हमने स्टार्ट तो कर दिया, ये तो मेरे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन अगर चेंज करना है, तो हमने एक ही ब्लॉक बना के रखा है, और यहाँ से जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, हमारा
चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको मोटर के साथ में दिखाने के लिए। ठीक है, तो मैं कैमरा का जो लोकेशन है, डायरेक्शन है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, आपका जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपका क्या है, ये आपका रनिंग है, ये ऑलरेडी आई थिंक केबल थोड़ा सा लूज हो गया, तो केबल हम लोग जस्ट कनेक्ट करते हैं। अभी हम लोग मोटर को चलते हुए हम लोग देखेंगे, तो मोटर के अकॉर्डिंग में कैमरा कैसे, यहाँ पे अभी आप चलते हुए आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अभी जस्ट ऑफलाइन हुआ है,